बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। राजकीय सम्मान के साथ में बाबा सिद्दीकी की विदाई हुई और नमाज के दौरान में बेटे जिशान को रोते हुए देखा गया। सलमान समेत कई सेलेब्स कल नजर आए उनके अंतिम दर्शन के दौरान में। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से सरेआम हत्या हुई और उसके बाद में लॉरेंस गैंग ने उस हत्या का जिम्मा भी लिया, बड़ा सवाल ये है कि कैसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बावजूद भी कोई सुरक्षा घेरे को भेद कर गोली चला देता है। दूसरा ये कि अगर 20 से 25 दिनों से लगातार रैकी चल रही थी तो किसी को कानो खान इस बात की खबर क्यों नहीं लगी, क्योंकि जब 15 दिन पहले धमकी दी गई थी उसके बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई थी तो फिर क्या एहतियात बरते जा रहे थे। ऐसे कई बड़े सवाल हैं। हर पेपर की आज अगर फ्रंट पेज की हेडलाइन की बात करते हैं तो बाबा सिद्दीकी खबर का जिक्र है। लॉरेंस गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी, सलमान के मददगारों को धमकी, अमर उजाला में ये हेडलाइन है। वहीं नवोदय टाइम्स की बात करते हैं तो लॉरेंस गैंग ने मारा बाबा सिद्दीकी को, फिर पूरा डिटेल से बताया गया है कि शूटर यूपी के हैं और हरियाणा के हैं। 3 शूटर्स की बात हो रही थी, इसमें एक और नाम निकल कर सामने आया और वो नाम है जिशान का। जिशान वो है जिसने बंदूकें सप्लाई की थी, जिन हथियारों से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो सप्लाई करने वाला जिशान था। और साथ ही साथ एक तस्वीर और आप देख रहे हैं जनाजा जाते हुए बाबा सिद्दीकी का, कल उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। अभिनेता सलमान खान के मददगारों और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह को धमकाते हुए गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो भी इनकी मदद करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुंबई पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं। गिरफ्तार 2 हमलावरों को अगर जाना जाए तो गुरमेल बलजीत सिंह, धर्मराज कश्यप, मुंबई के किला कोर्ट में इनको पेश भी किया गया। कोर्ट ने गुरमेल को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया, हालांकि आधार कार्ड में वो बालिग पाया गया। कोर्ट ने धर्मराज की उम्र पता लगाने के लिए उसका जो परीक्षण है वो कराने का निर्देश दिया है। हत्या के तीसरे आरोपी शिव कुमार के अलावा पुलिस जिशान अख्तर नाम के आरोपी की भी तलाश करे, जिसने इन तीनों को किराए के कमरे में ठहराया भी था और हथियार भी मुहैया कराए थे। पुलिस ने साजिश में शामिल प्रवीण लौंकर को देर शाम पुणे से गिरफ्तार किया। प्रवीण हत्या की जिम्मेदारी लेने की फेसबुक पोस्ट करने वाले शुभु लोंकर और शुभम लोंकर का भाई है। प्रवीण ने शुभम के साथ में मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार को साजिश में शामिल किया था। मरीन लाइन स्टेशन के सामने रविवार रात बड़ा कब्रिस्तान में बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी संख्या में इस दौरान में राजनीतिक और बॉलीवुड की हस्तियां मौजूद रहीं। सिद्दीकी की मुंबई में बांद्रा इलाके में उनके विधायक पुत्र जिशान के कार्यालय के बाहर शनिवार रात को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। कल उनकी पत्नी बदहवास नजर आ रही थी, बेटे के आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और इस तरीके से नम आंखों से बाबा सिद्दीकी को कल सभी ने अंतिम विदाई दी। कल उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मरीन लाइन स्टेशन के सामने जो रविवार को बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस बीच इस पूरे मामले की देखिए अगर बात करते हैं तो अपराधियों को पकड़ने के लिए अब भी लगातार दबिश दी जा रही, क्योंकि 2 अब भी फरार हैं। शुभ लोंकर के फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। बाबा सिद्दीकी के मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई मरवाएगा तो जवाब जरूर देंगे। हमने पहले कभी वार नहीं किया। तो ये पोस्ट था जिसमें लॉरेंस गैंग का जिक्र है, क्यों मारा गया इस बात का जिक्र है और आगे क्या संभावना है इस बात का जिक्र है, जिसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कई जगहों पर दबिश भी दी गई। पुलिस कह रही है शुभ लोंकर और शुभम को पहले अकोला में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश मध्य प्रदेश के उज्जैन समेत कई स्थानों पर दबिश भी दी है। लॉरेंस से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी। पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस से पूछताछ होगी। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच में मदद के लिए मुंबई जाएगी और ये टीम इस घटना में गैंगस्टर पहलुओं की जांच भी करेगी। अब देखिए अगर वारदात की बात करते हैं तो इस पूरी वारदात के बाद में सीएम और डिप्टी सीएम की जो सुरक्षा है उसको भी बढ़ा दिया गया है, उनके घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। वारदात के बाद से बाबा सिद्दीकी, राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और अभिनेता सलमान खान के घर की सुरक्षा को और बढ़ाया गया। साथ ही साथ कई अन्य मंत्रियों के आवासों के बाहर भी लगातार गश्त दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई खुद सलाखों के पीछे हैं। इतनी बड़ी बड़ी वारदातें, चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो,
बड़ा सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो जेल में बैठकर भी पूरे सिंडिकेट को चला सकता है, तो फिर अब तक उसके सिंडिकेट को तोड़ने के लिए क्या किया गया? वो लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा है, क्या किया गया? ये सवाल बरकरार है। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब एक और गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है आरोपी प्रवीण लोनकर को, पुणे से गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से अभी तक इस पूरे मामले को देखा जाए तो 3 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हुई है। और आपको ये भी बताएं कि अभी जिस तरह से दावा किया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि 6 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान अभी तक हुई है। 25 टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं इनकी तलाश में, एक के बाद एक हुई इन हत्याओं ने। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति सरकार पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसा कि अभी आपने सीएम को भी सुना था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी आरोपियों की। 3 गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर हुई है। और आपको ये भी बता दें कि अभी भी इन 3 के अलावा 3 और ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान की गई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 लोगों को अभी तक आरोपी इस पूरे मामले में बनाया गया है, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। 2 ऐसे हमलावर रहे जिन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनकी पहचान हरियाणा के कैथल निवासी गुरमैल बलजीत सिंह, उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी धर्मराज राजेश कश्यप के रूप में हुई। उसके बाद तीसरी गिरफ्तारी वापस से होती है देर शाम लाल यहां से किला मजिस्ट्रेट कोर्ट में। हालांकि देखिए, ये भी बताया गया कि ये जो 2 आरोपी हैं जिन्हें तुरंत इस वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में खुद के नाबालिग होने का दावा किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरमेल को 7 दिन के लिए 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। धर्मराज के वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की मंजूरी दी गई है। पुलिस ने रविवार रात को ही उसका ये टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी और उसके बाद धर्मराज को लेकर भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये बालिग निकला तो पुलिस उसे फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी या रिमांड की मांग करेगी। तीसरा हमलावर की बात करें, जिसका नाम शिव कुमार गौतम है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अब ऐसे में आपको ये बताएं कि मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि तीनों हमलावर पेपर स्प्रे लेकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशांत सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए थे। उनकी प्लानिंग बाबा सिद्दीकी पर पेपर स्प्रे छिड़कने के बाद उनकी हत्या करने की थी, लेकिन शिवा ने पहले ही फायरिंग कर दी। डीसीपी नलावड़े के मुताबिक गोली सिर्फ शिवा ने चलाई, धर्मराज कश्यप और गुरमेल उसके साथ वहां पर मौजूद थे। चौथे आरोपी की बात करें, जिसकी पहचान मोहम्मद जशीर अख्तर के रूप में हुई है, जो पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है, वो इस साल 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था। ये चौथा आरोपी है जिसकी पहचान हुई है। जेल में ही वो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जासिन अख्तर ने भी धर्मराज, शिवा और गुरमेल को बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। अन्य जो 2 आरोपी है, जिनमें शिबू लोनकर है, प्रवीण लोनकर है। शिबू ने फेसबुक पोस्ट में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, जबकि प्रवीण लोनकर उसका भाई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 6 अभी तक आरोपी जो इस मामले में बनाए गए हैं, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और जो बाकी 3 है, इनकी तलाश के लिए 25 टीमों का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रहे हैं। और जो गुरमेल है, जिसका जिक्र भी आकांक्षा कर रही थी, उन्होंने तो उसने 2019 में गांव के युवक की हत्या कर दी थी और उसके बाद से परिवार ने बेदखल कर दिया था। अब आप अंदाजा इससे लगाइए, गुरमेल की जो दादी है, जब बातचीत उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि गुरमेल ने कहा 4 महीने पहले जब वो घर आया था कि उसको हरिद्वार जाना है, उसके बाद वो घर नहीं लौटा। उन्होंने ये भी कहा दादी ने कि पुलिस अगर गुरमेल को चौक पर खड़ा करके गोली भी मार दे तो हमें अफसोस नहीं होगा। ये गुरमेल की दादी कहती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मामले में विश्नोई गैंग ने सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। एक पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई, बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। और ये तस्वीर भी आप देख पाएंगे, वही पोस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं। इस पोस्ट में सलमान खान का जिक्र है और दाऊद का जिक्र है। कहा कि जो भी सलमान खान और दाऊद के नज़दीक होगा उसको अपना हिसाब किताब देखना होगा। ये भी कहा कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे। तो ये ऐसी तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस पोस्ट में करते हुए, और हैशटैग लॉरेंस विश्नोई ग्रुप इसमें यूज़ किया गया है। और ये पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जिम्मेदारी ली गई। हालांकि जैसे ही जब ये घटना सामने आई थी और तभी से इस बात की आशंका जाहिर की जाने लगी थी कि हो सकता है कि इसके पीछे लॉरेंस विश्नोई गैंग हो,
क्योंकि वो जो दोनों आरोपी थे वो दोनों लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम किया करते थे। दरअसल आपको बता दें कि जब जेल में मुलाकात हुई और जब जेल में मुलाकात हुई तभी इनको ये टास्क मिला था, ये इसको लेकर ये जानकारी सामने आई है। जेल में मुलाकात के बाद इनको टास्क मिला और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ले ली है। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस ने कहा कि लॉरेंस गिरोह के कथित सदस्य के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट, ये जो वायरल हो रही है, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, इस वायरल पोस्ट की जांच भी की जा रही है। पोस्ट करने वाले शुभम लोणकर के भाई प्रवीण को पुणे से हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसने पोस्ट किया है उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि जो प्रवीण है, जो उसका भाई है, वो भी इस मामले में मिला हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में जो तीसरी गिरफ्तारी वो यही है जो पोस्ट किया गया है उसका भाई। तो देखिए बाबर सिद्दीकी मर्डर केस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जिम्मेदारी ली गई हत्या की। और अब ये भी जानकारी कि 6 राज्यों से इसके तार जो है, इस हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पंजाब चौथा आरोपी जीशान अख्तर है वह पंजाब के जालंधर के नकोदर के शकर गांव का रहने वाला है। पुलिस की टीम वहां पर भी पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा का अगर हमें आज जिक्र करें तो हत्या को 3 शूटरों ने अंजाम दिया था, एक गुरमेल सिंह जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे वो कैथल जिले का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश से 2 शूटर धर्मराज और शिव कुमार उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं, शिव कुमार जो कि अभी फरार चल रहा है। तो मध्य प्रदेश का अगर हम यहां जिक्र करें तो शिव कुमार की तलाश में पुलिस मध्य प्रदेश में छापेमारी के लिए पहुंची, पुलिस को संदेह है कि वह उज्जैन या खंडवा जिले में हो सकता है, लगातार लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए अगर यहां पर 5वां राज्य का हम जिक्र करें तो महाराष्ट्र है, वो इसलिए क्योंकि शनिवार की रात बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मारा गया और पुणे से तीसरे आरोपी प्रवीण की गिरफ्तारी हुई है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, अब लॉरेंस बिश्नोई से भी जेल में पूछताछ होगी। देखिए बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पुलिस ने धर्मराज के माता पिता से भी पूछताछ की है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का दूसरा आरोपी है धर्मराज। तो देखिए माता पिता को डिटेन किया गया था और उसके बाद में माता पिता से भी पूछताछ की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, देखिए उनमें से एक जो पंजाब का है, हरियाणा का है, ऐसा कनेक्शन अभी तक निकल कर आ रहा है। अब कहाँ कनेक्शन फैले हैं उसको लेकर अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जो तस्वीरें क्लियर हो चुकी है उसमें एक कैथल और 2 यूपी से ही हैं, यूपी के बहराइच से। और देखिए इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। सलमान खान के चूंकि काफी करीबी थे बाबा सिद्दीकी और जब इस वारदात को अब अंजाम दिया गया, क्योंकि इससे पहले कई बार सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं पहले भी, हालांकि उनके घर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब इस वारदात को अंजाम दिया गया है तो ऐसे में सलमान खान की जो सुरक्षा है उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर ये तस्वीर भी हम आपको देखे दिखा रहे हैं, सलमान के घर के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान के काफी करीबी थे और इसी वजह से अब सलमान को इससे पहले चूंकि कई बार धमकियां मिल चुकी हैं और ऐसे में यहां पर एक बार फिर से सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो देखिए इसमें ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा दिल्ली यूपी पुलिस के संपर्क में लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगी हुई है, केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं, शूटर्स की हिस्ट्री यहां पर खंगाली जा रही है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से। और ऐसे में तत्काल जो टीमें हैं वो रवाना भी हो गई हैं उत्तर प्रदेश के लिए, इसके अलावा हरियाणा के लिए और दिल्ली के लिए। लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में भी महाराष्ट्र पुलिस है, क्योंकि कई सारे एंगल इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। अब जितने भी आरोपी निकल कर सामने आ रही हैं उनकी हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। हरियाणा दिल्ली और यूपी पुलिस के संपर्क में है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। और देखिए महीनों की प्लानिंग, किराए पर लिया घर और बाबा सिद्दीकी के साथ बेटे को भी मारने की प्लानिंग थी, साजिश थी। शूटर बाबा के पुत्र जिशान सिद्दीकी से जुड़े स्थानों की भी रैकी कर रहे थे, ये बड़ी जानकारी है। और देखिए सिद्दीकी के घर दफ्तर की 2 महीने तक रैकी की गई और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। बिश्नोई गैंग ने हत्या को अंजाम देने के लिए शूटरों को अग्रिम भुगतान किया था और क्राइम ब्रांच की टीम
कई जगहों पर जांच कर रहे, कई राज्यों में जांच कर रहे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी है कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी उन पर नजर रख रहे थे। पुलिस के अनुसार वे 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और घर और तमाम जो उनकी जगह यानी कि कार्यालय वहां पर रैकी भी कर रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की है। उन्हें इस काम के लिए अग्रिम भुगतान किया गया था। उन्हें कुछ दिन पहले हथियार भी मिले थे और मुंबई क्राइम ब्रांच ने के मुताबिक सिद्दीकी पर कुल 6 राउंड की गोलियां चलाई गई, जिनमें से 3 उन्हें लगी। 2 आरोपियों की पहचान हो गई है और जो फरार इस वक्त चल रहे हैं उन्हें लगातार तलाशने के लिए पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर राज्यों पर छापेमारी कर रही है।